तो ये नहीं बोलेगा कि दो ब्लॉक बनाइए, आपको बोलेगा कि आप जाइए और टू फोल्ड परचेस बनाइए। अगर दो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें दो सीव है, तो इसको बोलते हैं टू फोल्ड परचेस। तो सबसे पहले ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है बॉकेट, इसको नीचे से डालना है। तो ये आप हम लोग यहाँ से नीचे से डालेंगे, देखिए नीचे से डाल दिए। जब इसको नीचे से डाले तो यहाँ भी आपको नीचे से डालना, नीचे से ही डालना है। चौबे जी सही बोले, हो गया। अब ये नीचे से डाल दिए दोनों में, तो अब हम दोनों नीचे से डाल दिए, तो अब नीचे डाल दिए, तो अब ऊपर बचा तो ऊपर से डालेंगे। ये ऊपर से हम डाल दिए, ठीक है। इसमें ऊपर से डाले तो इसमें भी ऊपर से डालेंगे। इसमें ऊपर से डाल दिए तो इसे यहाँ पर भी लाएंगे तो ऊपर से डालेंगे। और डालने के बाद ये जो दिखाई दे रहा है बॉकेट, बॉकेट में ला के हमेशा बो लाइन बांधते हैं, बो नॉट मारते हैं। तो देखिए ये बो नॉट हो गया, और यहाँ से हम आके इसको बो नॉट मारेंगे, बो लाइन नॉट। ये यहाँ पर गया सिंपली, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको बो नॉट ऐसे मारते हैं, ऐसे मारे यहाँ से लाए और इसको मार। और ये जो दोनों दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के ऊपर वाले को खींचते हैं, ये आपका बन गया। और ये देखिए ये आपका बन गया, इसको बोलते हैं टू फोल्डिंग परचेस। अब इसको हम इसको उठाएंगे, उठाइए चौधरी जी, उठाइए ठीक से। हाँ हो गया, देखिए ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। सेकंड हो गया, ये हो गया आपका स्टैंडिंग ब्लॉक। रुका हुआ है तो स्टैंडिंग ब्लॉक नचाओ ना, रुका हुआ है स्टैंडिंग ब्लॉक, मूविंग कर रहा है मूविंग ब्लॉक। और जिससे हम खींच रहे हैं उसको बोलते हैं हॉलिंग पार्ट। और ये जो रनिंग कर रहा है दोनों, इसको बोलते हैं रनिंग पार्ट। और ये रुका हुआ है इसको बोलते हैं स्टैंडिंग पार्ट, ठीक है, समझ में आ गया। सेकंड स्टैंडिंग ब्लॉक, मूविंग ब्लॉक, ये जो खींच रहे हैं उसको बोलते हैं हॉलिंग पार्ट, और जो रन कर रहा है इसको बोलते हैं रनिंग पार्ट, और जो रुका हुआ है इसको बोलते हैं स्टैंडिंग पार्ट। इसके बारे में बता दीजिए। अच्छा इसके बारे में, देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं, उठाइए चौबे जी। हाँ। ये देखिए ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में पूछता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं क्राउन, क्राउन है, ये क्राउन हो गया। और ये जो आप अगर ये जो दिखाई दे रहा है सिंगल है, सिंगल ब्लॉक है, सिंगल स्टील ब्लॉक। अगर सिंगल स्टील ब्लॉक को अगर हम बांधते हैं रस्सी से तो इसको बोलते हैं गन टेकल, ठीक है। तो एग्जामिनर पूछेगा गन टेकल बनाओ, तो सिंगल ब्लॉक तो बनाएंगे। ये देखिए इधर से किसी तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना याद रहेगा कि जो यहाँ पर है इसी में से लगाना। इधर से हम लगाए इसको गन टेकल ब्लॉक, इधर से लाएंगे इस ब्लॉक से, और इस ब्लॉक पे लाकर ये जो दिखाई दे रहा है बॉकेट, बॉकेट में इसको डालेंगे। और डालने के बाद दो लाइन मारते हैं, देखिए ये बो लाइन हुआ, ये यहाँ पर इसको बो लाइन इस तरह मार दिए, और ये इसको इसमें मारेंगे, इसको इसमें मारेंगे, और ये दोनों रिफ को रख के इसको टाइट कर देंगे। चलो ये आपका बन गया गन टेकल, गन टेकल बन गया। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया गन टेकल। फिर आप समझिए, हम आपको बता देते हैं, ये जो चौबे जी इसको खींच रहे हैं इसको बोलते हैं हॉलिंग पार्ट। और ये देखिए ये जो मूविंग कर रहा है रस्सी, इसको बोलते हैं रनिंग पार्ट। और ये जो रस्सी रुका हुआ है स्टैंड, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग पार्ट। और इसको बोलते हैं स्टैंडिंग ब्लॉक, यानी रुका हुआ है चौबे जी खींचिए। और ये ब्लॉक मूविंग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं मूविंग ब्लॉक। तो गया अंडरस्टैंड, ठीक है। बहुत परफेक्ट बनाया।